आशिक होता वो है जो हर वक्त यार की बात करे, आशिक होता वो है जो हर वक्त रुखे यार की बात करे। कभी वो वद्दुहा का जिक्र करता है, कभी वो बल्लैल की जुल्फे अंबरी का जिक्र करता है। आशिक होता ही वो है जो हर वक्त महबूब के खतो खाल का जिक्र करे, जैसे हजरत हसन ने कहा था, वा अहसन मिन कलम तरकत आईनी वा अजमल मिन कलम तलिद النساءو خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء। आमिना के लाल, मेरी आंख ने आपको देखा, मैं कहने पे मजबूर हो गया कि इतना हसीन जमील मेरी आंख ने जो देखा है, ऐसा कोई हसीन दुनिया में नहीं आया, ऐसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। अरे पैदा कैसे होता, रब्बे कायनात ने ऐसा महबूब बनाया ही नहीं, इसकी कोई मिसाल कायनात में नहीं। और फिर मेरे निशान ने इसकी यही तो जुबानी की, कोई मिसल न ढोलन दी, बेशक कोई मिसल ना बोलन दी, चुप कर मेरे अली उठ जा नहीं बोलन दी। जब मौलवियों ने मनाजरे शुरू किए कि नबी नूर है, नबी बशर है, कोई नबी को नूर कहता है, कोई नबी को बशर कहता है, अरे वक्त होता तो मैं इसको खोलता कि नबी ना बशर है ना नूर है। अगर वो वक्त बशर था तो जब सिदरा गया तो बशरियत नीचे रह गई, नबी ऊपर चला गया। देशक, देशक। और फिर नबी को नूरियों का सरदार लेके गया उस मकाम पे पहुंचा कि जिब्रील कहता है आगे नहीं जा सकता, तुम क्यों नहीं जा सकते? कहा मैं नूरियों का सरदार हूँ, मेरे नूरानी पल इससे आगे गया तो चल जाएंगे। पता चला नबी नूर भी नहीं है, अगर नूर होता जहाँ नूरानियत खत्म होती है नबी उससे भी आगे चला गया। तो फिर आशिकों ने कहा कि नबी का मकाम नूर नहीं, नबी का मकाम बशर नहीं, वो बशरों में आए तो लिबासे बशरियत पहनकर, वो नूरियों में गए तो लिबासे नूरानियत नूरानी लिबास पहनकर, जब उससे भी आगे चले गए तो फिर ऐसा मकाम भी आया, सिदरा की बुलंदियों से आगे चले गए, ला मकाम से ऊपर चले गए, सुम्मा धना फकद अल्लाह फकान काबा को हुसैन से भी ऊपर जाकर रब सामने बिठा के कहता है अब यहाँ कोई नहीं है, तू मुझे देख मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नबी का मकाम अवदना और फतहुल्लाह से भी ऊपर है। हजरत बात फिर लेके आ रहा हूँ, मेहर अली ने फिर उस वक्त इन मौलवियों को कहा कि तुम कहते हो नूर, ये कहते हैं बशर, झगड़ा खत्म करो, वो ऐसी जात है जहाँ बोलने की गुंजाइश नहीं है, कोई मिसल न डोलन दी, चुप कर मेहर अली उठे जा नहीं बोल। बेशक, बेशक, नबी वो नहीं जिसके लिए जुबानें खोलो, नबी वो नहीं जिसके इल्म को, जिसके मकाम को, जिसकी अजमतों की पैमाइश करो, नबी वो है जहाँ अकल फहम इल्म कलम गुम हो जाए, जुबान बंद हो जाए, वहाँ नबी का मकाम शुरू होता है। बेशक। तो मेरे अली का इश्क क्या कहता है, ये गैर मुअक्कदा सुन्नतें जो इशा की पहली चार और असर की पहली होती हैं, एक दिन नहीं पड़ी नबी पाक ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाह, कहा मेरे अली आज मेरी सुनते नहीं पड़ी हैं, आए करम हो गया सुभान अल्लाह। और जब नबी पाक तशरीफ लाए, सरापा सामने खड़ा है, बस ये बात तीन मिनट में खत्म करके, और मेरे बांस कारी सब सलाम पढ़ेंगे, अरबाब साहब दुआ मांगेंगे, मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगा, आपने तीन मिनट तो जो देनी है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब की दुनिया में हुजूर को देखते हैं, अल्लाह के महबूब ने कहा मेरे अली आज मेरी सुनते नहीं पड़ी, सो गया, तो नबी पाक को ख्वाब की दुनिया में मेरे अली ने देखा और सूरत का नक्शा खींचा, इस सूरत नो में जाना था। ये इश्क रसूल होता है हजरात, इश्क रसूल किसको कहते हैं। और जब आशिक कब्र में जाता है, ये दुनिया छोड़कर बरज़खी जिंदगी में जाता है, तो पहला सवाल मन रब्बों का, मां दीनों का, तीसरा सवाल पे निजात होती है, मां कुंता तकूलो फी हक्की हाजर रजुल, ऐ आने वाले बता इस शख्सियत के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। तो फिर मेरे अली बोलेगा इस सूरत नो में जाना था, जाना था के जाने जहां चेहरे को देख कर ये कहना इस सूरत नू में जाना।